सो हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द वेब सीरीज कॉल्ड एलिस इन बॉर्डरलैंड। और आज हम इसके एपिसोड 7th के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इसके पुराने वाले सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे। और अब बारी आती है सीजन के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स की, जो कि है 7th एंड 8th। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत ठीक वहीं से ही हुई थी जहां पर 6th एपिसोड खत्म हुआ था। इस वक्त यहां पर हॉल में सभी लोग मौजूद थे, टाइम लिमिट थी 2 घंटा, और टास्क मिला था उस विच को ढूंढना जिसने कि उन दोनों बहनों में से एक को जान से मार दिया था। गेम के रूल्स ये थे कि जो भी कातिल है उसे बदले की आग में जला दिया जाए। जैसे ही कातिल जल जाएगा सारा गेम रुक जाएगा, और जो भी लोग बचेंगे उन्हें दिल का दहला मिलेगा, यानी कि 10 दिनों का वीजा, जिसके बाद ये गेम शुरू हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर नायोमी पहुंच जाती है और बताती है कि जब मैंने टोपी वाले की बॉडी को चेक किया तो उसकी बॉडी में जो गोली मिली वो निकली थी .56 की बंदूक से, और वो बंदूक चलाता है अगुनी, यानी कि आतंकियों का सरदार। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो उसे देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो गन उठाकर अगुनी पर तान देते हैं, जबकि अगुनी ये कहता है कि इस वक्त सिर्फ मेरा मरना जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक जने के बदले पूरा का पूरा द बीच दाव पर लगा है, अगर विच को नहीं ढूंढा तो सब लोग मारे जाएंगे। इसी बीच वो आतंकियों को ये भी आदेश दे देता है कि जो भी यहाँ पर तुम्हारे सामने आए उसे मार कर आग में डाल दो, जिसने भी खून किया होगा उसकी वजह से गेम भी ओवर हो जाएगा और हम सब जीत जाएंगे, 10 दिनों का वीजा मिल जाएगा। इसी के चलते होटल में बहुत ज्यादा आतंक मच जाता है। हर कोई, यानी कि जो आतंकी होते हैं जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं, वो एक दूसरे को मार रहे थे। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कत्लेआम यानी कि मास मर्डर स्टार्ट हो चुका था। इसी बीच ओसाकी, जिसे कि एक्स्ट्रा फोन मिल गया था, वो आरिसु को ढूंढना चाहती थी और इस गेम में कैसे भी करके पार होकर यहाँ से निकल जाना चाहती थी, इसलिए उसका साथ देने के लिए 2 लोग उसे और मिल जाते हैं जो कि पहले कभी टास्क में उनके साथ ही हुआ करते थे। मीनवाइल सिक्योरिटी रूम में हम कुइना और शुंतारो को देख पाते हैं, जो कि हर कैमरा को एक्सेस कर रहे थे कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने विच बनकर उस लड़की को मार दिया, मगर वहां से वो क्लिप गायब कर दी गई थी। मीनवाइल हम कुछ शूटर्स को देख पाते हैं जो कि स्नाइपिंग कर रहे थे और एक एक करके लोगों को मार रहे थे, क्योंकि होटल में मारकर बॉडी को उठाकर लाकर बदले की आग में डालना बहुत ही ज्यादा हैसल भरा हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि सभी लोगों को बाहर लेकर आओ, और वो बाहर एक एक को गोली टिका रहा था। ये आग अब तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पूरा होटल इसमें जलने लगा था। तभी ओसाकी को उन्हीं आतंकियों में से एक आतंकी मिल जाता है जिसके हाथ में गन होती है, और वो कहती है कि तुम्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीनवाइल हम नायोमी को देख पाते हैं जो कि चाकू के ऊपर फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज कर रही थी कि आखिर वो कौन शख्स है या फिर कौन सी विच है जिसने इसे मारकर हम सभी को मुसीबत के घेरे में डाल दिया है। तभी यहाँ पर कुइना पहुंच जाती है और कहती है कि अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो फिर जो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं उन सभी की जाने बच जाएगी। लेकिन जैसे ये दोनों लड़कियां बाहर आती हैं, वहां पर निरागी नाम का एक कातिल पहुंच जाता है जिसके पास में कटाना स्वॉर्ड थी, और कुइना नायोमी से कहती है कि तुम यहां से भागो, इसे मैं संभालती हूं। मीनवाइल हम आरिसु को देख पाते हैं जैसे कि कुर्सी पर बहुत ही बुरी तरीके से बांध दिया गया था, और अब तो वो कमरा भी जलने की कगार पर था, लेकिन वो अपने आप की मदद नहीं कर सकता था। इसी बीच हम स्नाइपर को देखते हैं जो कि सभी को एक एक करके शूट कर रहा था, और इसी के साथ हम व्यूअर्स को उसका बैक ब्रीफ या फिर पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो एक बहुत ही मामूली सा लड़का था और अपने दोस्तों से हर वक्त मार खाया करता था। चलते फिरते ये दोस्त कभी उसे थप्पड़ मार दिया करते थे, तो कभी बेसबॉल की बॉल से उसका मुंह तोड़ दिया करते थे, और इन्हीं सारे गमों ने आज उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो एक पत्थर दिल इंसान बनकर हर किसी को मौत के घाट उतार रहा था। मगर तभी यहाँ पर शुंतारो पहुंच जाता है और कहता है कि मासूमों को मारकर क्या मिलेगा, अगर दम है तो मुझसे बात कर। अब जहां एक तरफ इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, वहीं दूसरी ओर हम कुइना और निरागी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहे थे, हालांकि एक के हाथ में तलवार थी और बेचारी दूसरी निहत्थी। खैर, लड़ाई तो बायर्स थी, लेकिन गेम को जीतना है तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ हमें कुइना की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक लड़का थी, उसके फादर एक कराटे मास्टर थे और आज वो उसे लड़ना सिखा रहे थे, मगर हर बार वो फेल हो जाया करता था। इसी के साथ उसे मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि इस लड़के में कहीं ना कहीं लड़कियों वाले जीन्स आ चुके थे। अब इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया इंडियन सीरीज बनी है जिसका नाम है ताली, जो कि मैंने आज से करीब 4 महीने पहले एक्सप्लेन करी थी। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हितेश नागर वाले चैनल पर अवेलेबल है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उसके पिताजी अगर उसे बहुत धोते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि आखिर एक लड़का होकर तो लड़कियों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, अगर ये सारी चीजें अगेन करता रहेगा तो बेटर ये है कि घर से ही निकल जा। जहां पर ये बंदा अपने घर से निकल जाता है, और अब उसकी ये वाली यानी कि कुइना वाली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है।
मीनवाइल हम निरागी की भी स्टोरी देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं था, बस घर में बैठकर जॉब ढूंढा करता था। अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा था। अब तो उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया था और अब तंग आकर उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। मगर जिस दिन वो घर से बाहर निकला, पूरी की पूरी टोक्यो खाली हो चुकी थी। इतने सारे गमों को झेलने के बाद में ये और इतना बड़ा गम जो कि उसे एक सदमे में डाल देता है और वो पागल हो जाता है। अब ऐसी ही एक स्टोरी यानी कि जोकर, जो कि वॉकिन फीनिक्स की तरफ से आई थी, उस मूवी पर भी ऑलमोस्ट मेरे 5.5 मिलियन व्यूज आए हैं। बहुत अच्छी मैंने एक्सप्लेन करी है। उसमें एक इंसान को इतना दर्द दिया जाता है, इतना उसके साथ में बुरा होता है कि अब उसकी शख्सियत ही बदल जाती है। और ऐसा ही कुछ निरागी के साथ भी हुआ था। इस गेम में उसे एक टैटू मैन दिखाई पड़ता है जो कि कुछ गेमों के बाद जीत चुका था और आज उसके पास वीजा का लास्ट दिन था। तो वो कहता है कि मेरे शरीर पर एक ऐसा टैटू बना दो जो कि शानदार हो, हर कोई उसे देखकर डरना चाहिए। और इसी के साथ हम उसके प्रेजेंट वाले रूप को देख पाते हैं जहां पर उसकी बॉडी पर टैटू ही टैटूज बने होते हैं। अगेन हमें यहां पर क्वीना और निरागी के बीच में चलती दमदार फाइट दिखाई जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पटक पटक कर कूट रहे थे और जान से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है आरिसु पर, जो कि अपनी पुरानी यादों में जा चुका था कि कैसे उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड यानी कि कारुबे और छोटा, मतलब कि छोटा, इनके बीच में खूब अच्छा टाइम स्पेंड होता था। ये अपने परिवार के दुख दुखड़ों से दूर होकर एक अपनी अच्छी खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस गेम ने वो सब कुछ तबाह कर दिया और आरिसु के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को उससे छीन लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर कोई बाहर है तो प्लीज मेरी मदद के लिए आओ। इसी बीच वहां से उसागी गुजर रही होती है और उसे आरिसु की आवाज आ जाती है और वो उसे बचाने के लिए उसी कमरे में पहुंचती है। अगेन हमें क्वीना की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर अब वो एक लड़के से एक लड़की बन चुका था, यानी कि उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था। वो एक ट्रांसजेंडर बन चुका था और अभी वो इस वक्त अपनी मम्मी से मिलने के लिए आई थी, जो कि अभी हॉस्पिटल में होती है। खैर उसकी मम्मी उसे देखकर हैरान तो होती है, मगर इस बात से खुश भी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, यानी कि उसकी बेटी। पूछने पर क्वीना बताती है कि लड़का बनकर मुझे घुटन सी महसूस होती थी, मगर अब लड़की बनकर मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अब अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। जहाँ पर उसकी मॉम उसे ब्लेसिंग्स देती है और कहती है कि लड़की बनना इतना आसान नहीं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें रूप दिया है तो भगवान ने तुम्हें जीने के लिए ताकत भी दी है। और इन्हीं सारी बातों को याद करके अब क्वीना के अंदर सुपर पावर आ जाती है और वो बन जाती है एक मार्शल आर्टिस्ट, जहां पर 2-3 लात घुसों के बाद में वो एक दमदार खिलाड़ी यानी कि निरागी को निरस्त्र कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं दोस्तों को, यानी कि उसाकी, आरिसु और बचे हुए कुछ लोग। यहाँ पर ये लोग ये स्ट्रेटजी प्लान कर रहे होते कि आखिर अगर वो गेम प्लानर होते तो इस गेम को कैसे डिजाइन करते। मीनवाइल हम अगुनी को देख पाते हैं, जिसकी बैक स्टोरी में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर टोपी वाला और ये दोस्त होते हैं। अगुनी यानी कि एक्स आर्मी सोल्जर, वहीं पर हैटर जो कि टोपियां बेचा करता था काबुकाची में, इन दोनों के ही बड़े बड़े सपने थे। मगर इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में हमें एक दूसरे की जान भी लेनी पड़ सकती है। इसी बीच हम नायोमी को देख पाते हैं, जिसने उस चाकू पर अपने सारे एनालिटिक्स पूरे कर लिए थे और अब वो ये खबर आकर हॉल में सभी को बताने ही वाली होती है कि तभी कुछ आतंकी आकर उसे पटक देते हैं और ये राज उसी के साथ ही फिलहाल के लिए दफन हो जाता है। वहीं पर हम अगुनी को देख पाते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या असली विच अगुनी है या फिर इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है, ये तो हमें इसके लास्ट एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड में ही पता चलेगा। वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।